एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राची'स कुकिंग। आज हम बनाएंगे ईद में सबसे ज़्यादा बनने वाले सीख खुरमा की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये ईद के लिए, ईद स्पेशल रेसिपी है। और देख सकते हैं कितना क्रीमी और इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं सीख खुरमा का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून घी डालूंगी मैं यहाँ पर। उसके बाद घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर पहले कुछ ड्राइड फ्रूट्स ले लूँगी, जैसे कि चॉप्ड आलमंड, चॉप्ड कैश्यू और चॉप्ड पिस्ताचियो है मेरे पास। आप कोई भी ड्राइड फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद अच्छे से हम इसको भूनेंगे, लो मीडियम फ्लेम में आप इसको भूनना है। और इसको ऐसे ही चलाते जाना है, क्योंकि आप अगर नहीं चलाएंगे तो जल जाएगी। उसके बाद ये जब हो जाएगा, मैं यहाँ पर कुछ डेट्स है मेरे पास, इसको भी ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर किशमिश भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 कप फ्रेश मिल्क डाल दूँगी, ये फुल फैट मिल्क है, 2 कप यहाँ पर डालना है। उसके बाद एक उबाल आने तक आपको वेट करना है। जैसे ही उबाल आ जाएगा, हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर लेंगे और इसको साइड कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैं डालूँगी वही 2 टेबल स्पून घी डालूंगी। उसको हमें पहले मेल्ट कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी सेवई, और इसको आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको हमें पलट लेंगे और इसको चारों तरफ से आपको भून लेना है अच्छे से। उसको जैसे ही भूनने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1 कप मिल्क। उसके बाद थोड़ा सा चलाते जाना है, और गैस का फ्लेम आप यहाँ पर लो करके इसको चलाते जाइएगा इस तरीके से। उसको देख सकते हैं क्रॉस आ गई है। अब क्या करेंगे, हम जो वो फ्लेवर्ड मिल्क बनाए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। उसको डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेना है और इसको अच्छे से पकाना है। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, और इसी के साथ मैं यहाँ पर चीनी को भी ऐड कर लूँगी। चीनी मैंने यहाँ पर 1/2 कप डाले हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी को ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और भी डाल सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक इसको पकाना है। जैसे ही उबाल आ जाएगा, हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी फ्लेवर के लिए, यहाँ पर डालेंगे इलायची का पाउडर, थोड़ी सी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बन गया हमारा सीख खुरमा बिल्कुल रेडी। आप इसको गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके भी खा सकते हैं, आपकी मनपसंद अनुसार आप इसको सर्व कर सकते हैं। कोई भी ड्राइड फ्रूट्स के साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। और इस स्पेशल रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बताएगा। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रेसिपी जरूर से जरूर ट्राई करें। सभी ईद में ये बनने वाले सबसे ज़्यादा इजी रेसिपी है और चटपटी बन जाते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट लगेगी आपको ये बनाने में, और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।